नमस्कार, मेरा नाम तरुण वर्मा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में, भारत में पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता फैल रही है। मैंने कुछ ऐसा डेटा देखा है जिसको देखकर मैं खुद बहुत हैरान हुआ कि मेंटल हेल्थ को लेकर मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी और ये जितने भी रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जितने भी ये जो प्रोफेशंस हैं, जितने भी ये जो एरियाज हैं, इनमें लेकर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये देखना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होगा ताकि आपको भी ये चीज़ पता चले कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर क्या चल रहा है, कि लोग मेंटल हेल्थ को लेकर कितने जागरूक होते जा रहे हैं और कितना ज्यादा वो चाह रहे हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वो एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करें। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत समय से एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाह रहे हो, बहुत समय से आप एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाह रहे हो, बट अभी तक आपने नहीं किया क्योंकि आप हिचक रहे हो, क्योंकि आपको हिचक है, हेजिटेशन है, आप डर रहे हो, आपको टैबू है, स्टिग्मा है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना, ना जाने वो क्या बोलेंगे, ना जाने वो कैसे मेरे बारे में डायग्नोसिस देंगे, ना जाने वो मेरे बारे में क्या ढूंढ लेंगे, या मैं शायद उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे को हिचक होगी, मैं शायद खुल के उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, अपनी बात नहीं रख पाऊंगी। ऐसे जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, जितने भी आपके मन में जो डर हैं, शंकाएं हैं, उनको मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से मैं दूर कर पाऊं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिसको देखकर आप चौंक जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कि किस स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर इंडिया में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक होने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। आप भी उस जागरूकता का हिस्सा बने, आप भी एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाइट्रिस्ट से जाकर अपना ट्रीटमेंट लें, उसके बारे में समझें, जानें, देखें कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट कैसे काम करता है, थेरेपी कैसे काम करती है, काउंसलिंग क्यों लेना जरूरी है, काउंसलिंग के बारे में जानना, काउंसलिंग लेना क्यों जरूरी है आप जाने, ताकि आपको समझ आए इस डेटा की मदद से कि जब सारी इंडिया में ये चीज हो रही है तो मैं भी क्यों ना करूं, तो मेरे लिए भी ये करना जरूरी है, मैं भी शायद उसका हिस्सा हूं। क्यों? क्योंकि बड़े स्तर पर इंडिया जागरूक हो रहा है मेंटल हेल्थ को लेकर। तो आपको मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो कि गूगल ट्रेंड्स से लिया गया है। गूगल ट्रेंड्स पर आप किसी भी सर्च टर्म को डालकर, जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसका डेटा गूगल के पास होता है। इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ज्योग्राफिकल लोकेशन में कितने ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ या उससे रिलेटेड टर्म्स को सर्च कर रहे हैं, इसका सारा डेटा गूगल के पास होता है। तो गूगल के पास पिछले करीब 2004 से लेकर, मतलब करीब करीब 18 साल से उनके पास डेटा है कि इंडिया में या अलग अलग लोकेशंस में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं मेंटल हेल्थ या उससे रिलेटेड टर्म्स को। गूगल के पास हर चीज का डेटा है। हम यहां पर मेंटल हेल्थ की कुछ बहुत कॉमन टर्म्स पर फोकस करेंगे। तो ये जो डेटा है, ये जो गूगल का अवेलेबल है, ये ट्रेंड दिखाता है। ट्रेंड का मतलब ये है कि हम देख सकते हैं पिछले 5 साल में 10 साल में 1 साल में किस तरह से लोग जो है वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं किसी टर्म को। जैसे साइकोलॉजिस्ट को लोग कितना सर्च कर रहे हैं, या साइकाइट्रिस्ट को कितना सर्च कर रहे हैं, या साइकोथेरेपी को, या मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस को लोग कितना सर्च कर रहे हैं, इसका पूरा डेटा हमारे को गूगल ट्रेंड से पता चल सकता है। भाई हमें नहीं पता कि हमारा पड़ोसी सर्च करता है, मेरे जो ऑफिस में जो लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं नहीं, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में लोग कितना सर्च कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, हमें किसी को पता नहीं चल सकता। पर गूगल ट्रेंड्स हमें बताता है कि आम तौर पर कितने ज्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, वो गूगल पर जाकर सर्च करते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के बारे में। तो ये गूगल ट्रेंड्स बहुत अच्छा हमारे को एक इंसाइट देता है, एक आइडिया देता है कि किस हद तक हिंदुस्तान में जागरूकता फैल रही है मेंटल हेल्थ के अलग अलग टर्म्स को लेकर, मतलब मेंटल हेल्थ को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, एक स्क्रीनशॉट है आपके सामने, ये गूगल ट्रेंड की एक स्क्रीन है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेंटल इलनेस को कितने लोगों ने किस तरह से सर्च किया,
भाई ये इंडिया का 5 साल का डेटा है। मैं 5 साल में के बारे में आपसे यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि उससे पहले का भी डेटा अवेलेबल है। क्योंकि उससे पहले का डेटा जो मैंने एसेस किया, मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं थे। किसी किसी जगह पर बहुत ज्यादा बड़े स्पाइक थे, मतलब एकदम से इंटरेस्ट बढ़ा, भाई कोई मीडिया में किसी का सुसाइड हो जाता है या किसी तरीके का कोई मूवी फिल्म रिलीज हो जाती है तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों में। तो उस टाइम पर हम कहेंगे हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर के लिए लोगों में इंटरेस्ट आ जाता है, जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। पर पिछले 5 साल का डेटा हमारे लिए ज्यादा इंसाइटफुल इसलिए होगा क्योंकि हम इसमें बड़ा बदलाव देख रहे हैं जो उससे पहले 10-15 साल तक भी मौजूद नहीं है गूगल के ऊपर। डेटा ऐसा बताता है, मतलब उससे पहले 2004 से लेकर अगर 2016-17 तक हम देखें तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता मेंटल हेल्थ में, उसके बारे में अवेयरनेस को लेकर, उसकी सर्च को लेकर। पर मेरे देखने में ऐसा आया कि 2016-17 के बाद या 17-18 के बाद से और अभी 2022 तक, आज जो जून जुलाई का समय चल रहा है, जुलाई तक का मैंने सर्च किया और मैंने देखा कि ये जो पिछले 5 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा बताने के लिए कि जब से पिछले कुछ समय से, जब से कि लोग YouTube पे बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं उसके बारे में, वीडियोस देखते हैं, Google पर बहुत ज्यादा ब्लॉग्स ये वो कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं, बड़ी सारी वेबसाइट्स, बड़े सारे जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे जाते हैं, तो एक तरीके का हमने बहुत इसमें ग्रोथ देखी है लोगों के गूगल पर जाकर सर्च करने को लेकर लोगों के इंटरेस्ट में। तो पिछले 5-7 साल का डेटा हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उससे पहले तक बहुत लोग स्मार्टफोन्स भी यूज नहीं करते थे, बहुत ज्यादा लोगों को, शायद एक बड़ी उम्र के लोगों को गूगल भी शायद उतना कम यूज करना नहीं आता था, इतना यूज करना, या लोग बहुत ज्यादा जो थे इंटरनेट पर जाकर सर्च नहीं करते थे। कोविड की वजह से भी बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। तो ये जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है इसके काफी सारे रीजन हम देखते हैं। हम यहां देखेंगे पिछले 5 साल में ट्रेंड कैसे बदला है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा, मेंटल इलनेस के बारे में लोगों ने कैसे सर्च किया। आप देख सकते हैं कि शुरू के 3 साल अगर हम देखें, हम इसमें देखेंगे कि 2017 से 19-20 तक का डेटा काफी लो वैल्यू में आपको दिखाई देगा और 20 के बाद 21 और 22 तक का जो आपका डेटा है वो आपको बहुत हाई ट्रेंड में दिखाई देगा, मतलब उसकी वैल्यू बहुत हाई होगी। आप देखेंगे आपके लेफ्ट में कुछ नंबर दिए हैं, 25, 50, 75, 100। ये एक ऐसा नंबर होता है जो गूगल नॉर्मलाइज करके निकालता है कि अगर हम किसी एक टर्म को देखें, हमने सर्च किया और लोगों ने और भी बड़ी सारी चीजें सर्च की होंगी तो एक्चुअल में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर टर्म पर, पर्टिकुलर सर्च जो कीवर्ड है उस पर कितना ज्यादा आया, तो उसको वो स्केल करता है। तो वो कहेगा कि हाँ लोगों ने, जैसे मान लीजिए 25 नंबर आया, 25 का मतलब ये है कि बाकी सारी चीजों के सर्च के मुकाबले लोगों ने 25% मान लेते हैं कि उन्होंने बस सर्च किया मेंटल हेल्थ के बारे में या मेंटल इलनेस के बारे में। पर अगर हम बाकी टर्म्स को सबको अगर कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि विद टाइम, समय के साथ, इन सर्च टर्म्स में ट्रेंड में चेंज आया है, लोगों के इंटरेस्ट में चेंज आया है। मतलब बाकी सारे टर्म्स पे जितना लोग सर्च कर रहे हैं उतना ही ऑलमोस्ट इक्वल लोग मेंटल हेल्थ के कुछ टर्म्स पर भी सर्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक रिलेटिव प्रोपोर्शन बताया जाता है, एक तरीके का डिवाइड करके नंबर जैसे तैसे करके वो एक सैंपल कलेक्ट करके उसके हिसाब से बताते हैं और उसमें रिलेटिवली बात की जाती है कि बाकी सर्च टर्म्स के मुकाबले गूगल का ये जो सर्च है, जो आप जिसको सर्च कर रहे हो, टर्म को सर्च कर रहे हो, ये कितना ज्यादा लोगों ने सर्च किया। तो हम क्या कहेंगे कि भाई मेंटल इलनेस का आप देखेंगे पहले बीच में काफी 2017-18 में नंबर जो है वो 50 के आसपास रहता था, मतलब बाकी सारी सर्च टर्म्स के मुकाबले 50% इंटरेस्ट है लोगों का इस वाली टर्म में, मेंटल इलनेस में। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, 2020, 21 और 22 तक हम आते हैं, हम देखते हैं कि ये जो नंबर है ये 75-80 तक खिंच गया है, मतलब बाकी सारी टर्म्स के मुकाबले ये टर्म्स भी उतना ही इक्वली सर्च किया जा रहा है। इसकी जो रेशो है वो इस तरह से निकलती है, तो ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि 2020 में, शायद हो सकता है जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ था शायद उस टाइम का ये डेटा होगा, 100 तक भी पहुंचा है ये नंबर, मतलब करीब करीब बहुत ज्यादा लोग जो थे मेंटल इलनेस को भी उतना ही सर्च कर रहे थे जितना बाकी टर्म्स को सर्च कर रहे हैं। बाकी टर्म्स में कुछ भी आ सकता है, किसी एक्टर को आप सर्च कर रहे हो, किसी फिल्म के बारे में सर्च कर रहे हो, किसी और टॉपिक पर सर्च कर रहे हो, पॉलिटिक्स के बारे में सर्च कर रहे हो, किसी भी टाइप का टॉपिक हो सकता है वो। यहां पर सिर्फ मेंटल इलनेस के अलावा मेंटल हेल्थ के दूसरे टर्म्स की बात नहीं हो रही, कोई भी टर्म हो सकता है यहां पर। तो हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा जो डेटा है, हमारा जो ट्रेंड बता रहा है कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है अवेयरनेस, बढ़ती जा रही है ये सर्च टर्म के ऊपर जो पूरी, जो लोगों की जो एक पूरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितना ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अगला टर्म देखो आप, अगला सर्च टर्म है मेंटल डिसऑर्डर, थोड़ा सा अलग है मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर। यहां पर भी हम देखते हैं कितनी भारी तेजी आती है, कितनी भारी तेजी आ चुकी है। पहले 50 से भी नीचे था नंबर 2017-18 में,
हम देखेंगे कितना कम लोग सर्च कर रहे थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया हम देखते हैं कि दो या तीन बार हम देखते हैं कि 100 का आंकड़ा छू के गई है ये सर्च की, जो ये जो पूरी जो पॉपुलैरिटी है, तो जो पॉपुलैरिटी है ये उसको दिखा रहा है, पॉपुलैरिटी कितना पॉपुलर हो गया। दो बार ऐसा हुआ 2021 में, 2020 में, जब बहुत ज्यादा पॉपुलर था मेंटल डिसऑर्डर टर्म, बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए आप, अब ये हमने मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात की, अब हम देखते हैं कि लोग किस तरीके के थेरेपिस्ट और दूसरे जो टर्म्स हैं उनको कैसे सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे दिखाऊंगा काउंसलर टर्म को लोगों ने किस तरह से सर्च किया। 2017-18 में हम देखेंगे 50 से थोड़ा सा ऊपर था ये अंक, धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब पिछले करीब 1-1.5 साल में हम देखेंगे 2021 फरवरी जनवरी के बाद से अभी 2022 जून जुलाई तक, हम देखते हैं कि ये नंबर करीब करीब 80 से ऊपर ही आपको देखने में मिलेगा। तो बहुत बड़ा इसके अंदर हम कहेंगे एक बदलाव आया है पॉपुलैरिटी में, लोग बहुत ज्यादा काउंसलर वर्ड सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए थेरेपिस्ट। अब ये थेरेपिस्ट वैसे तो कोई भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हो सकता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, साइकोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, पर हम सिर्फ अभी थेरेपिस्ट टर्म पे अगर देखें तो बहुत बड़ी तेजी आई है, बहुत बड़ी तेजी है। ग्राफ देखिए कैसे ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, बहुत ज्यादा तेजी आई है इस टर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकाइट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का आप देखिए पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ी है, कितने ज्यादा लोग जो है अब वो साइकेट्रिस्ट टर्म जो है रेगुलरली सर्च करते हैं इंटरनेट पर जाकर, गूगल पे जाकर। पहले एक टाइम था जब अगस्त सितंबर आप देखेंगे 2017 से 2019 के बीच ये नंबर 50 से 60 के बीच था, 50 से थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे, मतलब 50 से 70 के बीच आसपास हम देखेंगे, पर 2020 के आते आते ये नंबर 75 से ऊपर ही आपको मिलेगा, मतलब 80 90 100 तक जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा जो है लोग जो है सर्च कर रहे हैं इस टर्म को। नेक्स्ट टर्म देखिए साइकोलॉजिस्ट का, यहां देख के आप चौंक जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के मुकाबले उससे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी साइकोलॉजिस्ट टर्म की है, तेजी से एक ग्रोथ हम देख रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के टर्म की पॉपुलैरिटी में। कहा ये 2019 तक ये टर्म सिर्फ 50 के आंकड़े तक ही छू रहा था, आप देखेंगे साइकेट्रिस्ट के मुकाबले साइकोलॉजिस्ट कम सर्च किया जाता था। साइकेट्रिस्ट आप देखेंगे, फिर से देखिए, साइकेट्रिस्ट 50 से थोड़ा ऊपर ही पाया जा रहा है, पर साइकोलॉजिस्ट जो है वो करीब करीब उतना ही है जितना कि हम देखेंगे 50 के आसपास है, पर तेजी देखिए साइकोलॉजिस्ट के टर्म में कितनी ज्यादा आ रही है, 90-100 के आंकड़े को बार बार छू रहा है सर्च। पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि 100 के आंकड़े को बार बार छू रहा है, मतलब लोग धड़ल्ले से सर्च कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट टर्म को, बहुत ज्यादा लोग साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे हैं गूगल पे कि हमें कोई साइकोलॉजिस्ट बताओ, बताओ हमें किसके पास जाएं, किससे कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट किस तरह से काउंसलिंग थेरेपी देता है, लोग सर्च करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशन कम जाना हुआ है, लोग कम जानते हैं इस बारे में, क्योंकि आमतौर पर तो हम साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है, बस इतना हम जानते हैं। पर हम देखेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो टर्म है, ये जो प्रोफेशन है, हालांकि मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही यूजफुल होता है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेसेस के ट्रीटमेंट देते हैं। आप अगर साइकोलॉजिस्ट को सर्च करेंगे तो वो तो कई तरीके के इश्यूज पर काउंसलिंग देते हैं, पर यहां मैं बात मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस की बात कर रहा हूं, ओसीडी, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ADHD, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिप्रेशन, डिस्थाइमिया, इस तरीके के डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। तो साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में जो फर्क है वो हम यहां देख सकते हैं कि पहले 2017-18-19 में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 50 से भी कम था, लोग जानते ही नहीं थे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, लोग जानते नहीं थे क्या होता है, कौन होता है, क्या काम करते हैं। पर देखिए 2020 और 2021 स्पेशली आप देखेंगे 2021 में आने के बाद ये 80-90 का आंकड़ा छूड़ा है और लगातार ये 90 से ऊपर का आप आंकड़ा देखेंगे कि ये छूता जा रहा है, 100 की तरफ पहुंचता जा रहा है। लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को सर्च करने के बारे में कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वो कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स में हेल्प करता है। तो साइकाइट्रिस्ट का हम देखेंगे 50 से ऊपर था, साइकोलॉजिस्ट का 50 को छू रहा था और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का तो बहुत ही नीचे था 2017-18-19 में। पर 2020 के बाद सबसे ज्यादा तेजी साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आ रही है, तो बहुत ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर, गूगल पर कि भाई साइकोलॉजिस्ट बताओ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताओ हमें, कौन कौन है हमारे आसपास, किनसे हम हेल्प लें, क्या करते हैं ये।
नेक्स्ट देखिए साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम देखेंगे कि बड़ा फ्लक्चुएशन है, मतलब 50 से ऊपर था पहले आंकड़ा 2017-18-19 में, फिर 20-21 में भी ये ऊपर नीचे जाता रहा, बट ओवरऑल देखेंगे कि तो ट्रेंड बड़ा ही है। हम भले ही कहेंगे कि जो पीछे जो हमने टर्म सर्च की उसके मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा कम है, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बढ़ ही रहा है, ज्यादा जागरूकता लोगों में आ ही रही है अगर हम पिछले टर्म से कंपेयर करें। बट ऐसा हम देखेंगे तो साइकोथेरेपी को लेकर लोग बहुत ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि साइकोथेरेपी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ये किस लिए दी जाती है, कौन देता है साइकोथेरेपी, लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो यहां हमने देखा कि कैसे मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस किस तरह से बढ़ रही है, गूगल हमें कैसे दिखाता है, गूगल के ट्रेंड्स कैसे बता रहे हैं कि भाई मेंटल डिसऑर्डर मेंटल इलनेस में जागरूकता, साइकाइट्रिस्ट में जागरूकता, और उससे भी ज्यादा जागरूकता साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में लोगों में बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि लोग अब दवाइयों से हटके अब एक बेटर सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ जा रहे हैं और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिना दवाओं के, भाई बहुत से ऐसे लोग थे जो हम कहेंगे कि 2010 के दशक में सिर्फ दवाइयां खा रहे थे, उनको आइडिया ही नहीं था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, उनको पता ही नहीं था। तभी आपने देखा कि सर्च टर्म्स जो था उसकी पॉपुलैरिटी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टर्म की 50 से बहुत नीचे जा रही थी, 30-40 तक जा रही थी, जबकि साइकोलॉजिस्ट को लोग फिर भी सर्च करते हैं, वो तो फिर भी जानते हैं, काउंसलर की भी जो लेवल था वो ज्यादा था, बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लोग कम जानते थे। अब धीरे 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 मेडिसिन से लोगों का रुझान हटता जा रहा है, लोग समझ रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, हमें नहीं लेनी, और अल्टरनेटिव क्या है इसका। हालांकि साइकेट्रिस्ट को भी सर्च करना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सर्च में हम बहुत बड़ी एक तेजी देख रहे हैं, लोग जानते जा रहे हैं कि ये क्या करते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो था इसके 2-3 ऐसे मोटिव थे। पहला, मैं आपको बताऊं मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस कैसे फैल रही है उसके बारे में। दूसरा कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इसके सर्च में भी कितना फर्क आ रहा है, ट्रेंड में कितना फर्क है, और किस तरह से अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके बारे में सर्च किया जाता है, लोग उनके पास मेंटल हेल्थ की हेल्प के लिए जाते हैं। तो ये जागरूकता आप भी अपने अंदर लाएं, आप भी समझें इन टर्म्स के अंदर जो मैंने बताया है वो क्या बताया है, ये ट्रेंड्स क्या हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को और लोगों से शेयर करें, बताएं लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि कैसे मेडिसिन के साथ या मेडिसिन के बिना कैसे एक साइकोलॉजी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है जो उनकी हेल्प कर सकता है उनके मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेसेस से बाहर निकलने में, और कई तरीके के मेंटल डिस्ट्रेस और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से बाहर आने में कैसे एक साइकोलॉजिस्ट या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरह से उनकी हेल्प करता है, उनको बताएं, पॉपुलैरिटी के बारे में उनको दिखाएं। साथ ही साथ जिनको जरूरत है साइकेट्रिस्ट के बारे में भी उनको पता हो, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएं और आम तौर पर मेंटल डिसऑर्डर इनके बारे में सर्च करें, जाने, जागरूक बने, यूट्यूब पर गूगल पर जाने, ज्यादा से ज्यादा चीज, ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स नॉलेज इंफॉर्मेशन लें इनके बारे में, तभी वो अपनी हेल्प कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।